हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रेखा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। बहुत ही कम सामग्री से और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगी। अगर आपको ये बर्फी बनाने का तरीका पसंद आए तो इसे एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। के लिए हमने लिया है ये एक कटोरी बेसन है और एक कटोरी चीनी है। जितना बेसन है उतनी ही चीनी है। ये बेसन थोड़ा फूला फूला है इसलिए ये ज़्यादा लग रहा है, बराबर मात्रा में है। ये बेसन को हमने छान लिया था, अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दूध। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथ से हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने इस बेसन को फिर से छानेंगे। इसे छान लेंगे, इसमें जो भी गांठ है पड़ी होंगी छानने से वो सब अलग हो जाएंगे। इसे इस तरह से इसी प्लेट में हम एक तरफ छान लेंगे। इसमें जो भी गांठ हैं या गुठली हैं उन्हें हाथ से इस तरह से कर दें तो वो भी फूट जाएंगी और पूरा बेसन हमारा छन के एक हो जाएगा। इसी तरह से हम पूरा बेसन छान लेंगे। फिर छानने के बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। हमने सारे बेसन को छान लिया है और देखिए कितना बढ़िया दानेदार बेसन हो गया है। अब हम गैस पर कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे और अपने बेसन को अब हम भूनेंगे। ये 50 ग्राम करीब हमने इसमें घी डाला है बेसन भूनने के लिए। घी की मात्रा आप बेसन के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका बेसन ज़्यादा है तो आप घी की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें बेसन को डालेंगे। हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम बेसन को डालेंगे और मध्यम आंच पर इसे भूनेंगे। लगातार चलाते हुए बेसन को भूनेंगे। जब तक हमारा बेसन भुन रहा है हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसको मध्यम आंच पर भूनने दे रहा है जब तक। इसके लिए चाशनी के लिए हमने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और हमने एक कटोरी चीनी ली है और एक ही कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। एक बार की चाशनी बना के हम तैयार करेंगे। ये बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है, हमने इसे स्लो आंच पर भूना है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसने घी छोड़ दिया है हमारे बेसन में। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ी सी दूध की मलाई डालेंगे। अगर आपके पास दूध की मलाई हो तो आप दूध डालें, और अगर दूध की मलाई आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर अगर आप मिल्क पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये हमारी बर्फी को बहुत ही अच्छा स्वाद देगा और इससे हमारी बर्फी बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। इसे भी हम इसमें साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन गया है। जो हमने दूध की मलाई डाली थी वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है।
अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इस गैस को अब हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स करने के बाद अब अपनी चाशनी को चेक करेंगे। हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसे चेक करेंगे। इसमें अभी तार नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको अभी थोड़ा और पकाएंगे। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डालेंगे कलर के लिए। अगर आपके पास केसर के धागे हों तो आप उनका इस्तेमाल करें, वरना इसकी जगह खाने वाला पीला कलर आता है, आप उसको भी डाल सकते हैं। ये 4-5 केसर के धागे हैं, इसको इसमें डालेंगे। इससे इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा इसका। अब हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे, तब तक हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। हमें इसके लिए एक तार की ही चाशनी चाहिए। हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है एक तार की, और देखिए इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। देखिए ये अलग ही एक तार पूरा बन रहा है, हमारा हाथ इसमें अलग चिपक रहा है। ये चाशनी बन चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। चाशनी को बेसन में मिलाने से पहले हम एक केक टिन तैयार कर रहे हैं अपनी बर्फ़ी को जमाने के लिए। आप इसे थाली में भी जमा सकते हैं। इसी तरह थाली में घी या रिफाइंड लगा के आप चारों तरफ से ग्रीस कर दें उसको। ये जो बेसन हमने भून के रखा था, अब थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें चाशनी डालते जाएंगे, और चाशनी डालते हुए एक हाथ से हम इसको मिलाएंगे। एक बार में हमें पूरी चाशनी इसमें नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके इसमें चाशनी डालनी है और इसे मिक्स करते जाना है। चाशनी गर्म होनी चाहिए, ठंडी चाशनी इसमें नहीं मिलानी है, क्योंकि बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, इसलिए इसमें गर्म चाशनी मिलाएं आप, ठंडी चाशनी नहीं मिलाएं। जैसे ही इसको डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, बेसन हमारा जितनी चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगा हम उतनी ही चाशनी इसमें डालेंगे। जब हमें बेसन ज़्यादा गीला लगने लगेगा तो हम इसमें चाशनी डालना बंद कर देंगे। अभी हमने इसमें जितनी चाशनी डाली है हमारे बेसन ने पूरी सोख ली है, अब हम इसमें फिर डालेंगे और फिर ऐसे ही मिक्स करेंगे। बाकी की चाशनी भी हम इसमें डाल देंगे और इसे मिला देंगे। हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी थी, इसलिए हमने गैस को ऑन किया है, हमने गैस को जलाया है। मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से पूरा वीडियो नहीं बन पाया था, तो उसको रोक दिया था। इस वजह से ये चाशनी भी ठंडी हो गई थी और हमारा बेसन भी ठंडा हो गया, इसलिए इसे दोबारा गैस जला के हम गर्म कर रहे हैं और चाशनी को अच्छे से मिला रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया दानेदार हमारा बेसन का पाक बन के तैयार हो गया है। अब हम बस बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार है ये। अब हमारी चाशनी और बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम उस केक टिन में जिसमें हमको इसको फैलाना है उसमें हम निकालेंगे। इस केक टिन में हम इसको डाल देंगे धीरे से। और इसे इस तरह से फैला देंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा घी निकल के आया है उसे चाहें तो आप निकाल लें,
या इसी के साथ जम जाने दें तो वो और ज़्यादा एकदम से बर्फ़ी सॉफ्ट होगी आपकी अंदर से, और चाहें तो आप इसे निकाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऊपर से, और अभी हमारी बर्फ़ी बहुत गर्म है, इसे हम अभी काट नहीं सकते हैं। इसे कम से कम 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, इसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे और इसे काटेंगे। अब हमारी बर्फ़ी ठंडी हो गई है और सेट हो गई है। हमने इसमें पहले कट नहीं लगाए थे, ये बहुत गर्म थी। अब हम इसमें कट लगाएंगे। और इसे निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है और एकदम से अच्छी सेट हो चुकी है, और देखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत टेस्टी, और इसका स्वाद लाजवाब है। आप इस बार इस जन्माष्टमी पर इस प्रकार से इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। और मेरा आपको ये बर्फ़ी बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।